नरसिंहपुर लैंप्स चुनाव के बाद दूसरे दिन गांव में अध्यक्ष पद को लेकर हुआ जमकर विवाद। सांसद कनकमल कटारा पहुंचे मौके पर। सागवाड़ा, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति अंतर्गत वरसिंहपुर ग्राम पंचायत में कल लैंप्स के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें भाजपा समर्थित प्रत्याशी नीरज पंचाल विजयी घोषित किए गए थे। जिसके बाद आज सुबह नीरज पंचाल वरसिंहपुर ग्राम पंचायत के लैंप्स में पहुंचे, जहां अध्यक्ष पद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दो पक्षों के बीच आपसी विवाद में मामला गर्मा गया, जिसको देखते हुए मौके पर सरोदा थाना अधिकारी रामेंग पाटीदार मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। वहीं डूंगरपुर बांसोड़ा सांसद कनकमल कटारा भी मौके पर पहुंचे। इस बीच भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष श्याम भट्ट, ताजेंग पाटीदार, हेमंत दादा पाठक सहित भाजपा के कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। वरसिंहपुर ग्राम पंचायत के सरपंच जितेंद्र खराड़ी के अनुसार, ग्राम पंचायत वरसिंहपुर के लैंप्स चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी नीरज पंचाल को विजयी घोषित किया गया था। आज सवेरे जब वे लैंप्स में पहुंचे तो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि अध्यक्ष पद का उम्मीदवार स्थानीय होना चाहिए, इस बात को लेकर उनका कोई आपसी समझौता भी हुआ था। लेकिन आज सवेरे अध्यक्ष पद पर नीरज पंचाल जैसे लैंप्स में पहुंचे तो जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि इस विवाद को आपस में बैठकर सुलझाया जा रहा है और शीघ्र ही इसका निपटारा किया जाएगा। फिलहाल कुछ देर के लिए माहौल खराब हुआ, लेकिन फिलहाल स्थितियां सामान्य हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।